हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रिय सभी विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, इस बार मेरिट अप होगा कि डाउन होगा वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिजिट्स है, वो डिजिट्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि मेरिट अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो आज इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और साथ में हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। एडमिशन प्रोसेस का एक भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप उसको ज्वाइन भी कर लेना। और यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैंने 2-3 दिन पहले गुजराती में वीडियो बनाए थे एडमिशन प्रोसेस, तो उसमें बहुत सारी कमेंट आई थी कि सर हिंदी में बनाए। तो आप इस वीडियो की कमेंट में बताना कि एडमिशन रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो हम कौन सी लैंग्वेज में बनाए, क्लियर, ताकि आपको वो ईजिली समझ में आ जाए। तो देखो, एक गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर के ओर से प्रेस रिलीज आई थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि इतने लोगों ने एग्जाम दी हुई है गुड सेट की। अपने को देखना है इंजीनियरिंग का, तो इंजीनियरिंग में बेटा मैथ्स की जो एग्जाम थी वो 50,157 स्टूडेंट थे, उसमें से 48,411 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है, मतलब नियर अप्रोक्स 48,000 स्टूडेंट जितने हैं। अब ये जो एग्जामिनेशन मैथ्स की इतने लोगों ने दी है, इसमें से थोड़े बहुत आई थिंक बीएससी में भी चले जाएंगे, थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो 10th के बेस के ऊपर चले जाएंगे डिप्लोमा में, और थोड़े बहुत ऐसे होंगे जो फेल भी होंगे। तो लास्ट ईयर के डिजिट से ये डिजिट थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है ना, 8-9 हज़ार जितना इंक्रीज हुआ है। लेकिन इस बार क्या हो सकता है कि फेल का रेशियो भी इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि ये जो बैच थी वो मास प्रमोशन वाली बैच थी, 10th स्टैंडर्ड में मास प्रमोशन मिला था। मास प्रमोशन में सबके परसेंटेज बहुत ज्यादा आए थे, उसी परसेंटेज की वजह से सब लोगों ने मैक्सिमम साइंस लिया था। अब इसकी वजह से ये डिजिट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे दो चांसेस है कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, सब लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मेरिट इंक्रीज होगा। लेकिन कौन सी कॉलेज का मेरिट इंक्रीज होगा? जो कॉलेजेस बहुत टॉप पे है, वो पहली 10 कॉलेज जो है उसमें, नीचे की जो कॉलेज है उसमें इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी कंप्यूटर आईटी में ही पड़ेगा। बाकी की ब्रांच वैसे भी खाली रहती थी, तो इस बार भी खाली रहने वाली है, तो उसमें भी कोई इफेक्ट आने के चांसेस नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज देखने को है कि भाई कितने लोग पास होते हैं एक्चुअल में। अब पासिंग का पता जब चल जाए, जब रिजल्ट आ जाए, तब एक्चुअल में मेरिट का अंदाजा यहाँ पे आ सकता है। तो किसी को इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने सारे हैं तो इस बार मेरिट बहुत ऊपर जाएगा, आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, उसी टेंशन में आप कोई अलतू फलतू कॉलेज के अंदर अभी से एडमिशन ले लो। तो किसी को भी बेटा कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन अभी कन्फर्म नहीं करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो एक्स वाई जेड कॉलेज है उसमें आपको ACPC थ्रू भी नहीं मिलने वाला है और अभी ऑफलाइन चलना शुरू कर दिया है उन लोगों ने और अभी मेरे को सेम फीस में मिल रहा है, दो तीन चीजें मैं बोल रहा हूँ कि भाई ACPC से उसी कॉलेज में लास्ट ईयर के मेरिट के मुताबिक आपको नहीं मिल रहा है, कॉलेज अच्छी है, ऑफलाइन काउंसलिंग उन लोगों ने अभी से शुरू कर दिया है और सेम फीस में एडमिशन दे रहे हैं, कोई भी ज्यादा फीस आपको पे नहीं करनी पड़ रही है, तो बेटा आप एडमिशन ले सकते हो, है ना, तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी कोई भी ऐसी कॉलेज में एडमिशन अभी से मत ले लेना जिस कॉलेज में तो ऐसे भी सीट्स खाली रहती, क्लियर। तो ऐसी कोई कॉलेज हो तो लास्ट ईयर का आप देख लेना ACPC की वेबसाइट से कि भाई वहां पे सीट खाली थी या भर गई थी, है ना, ये थोड़ा बहुत होता है। अगर कभी भी कहीं पे भी आप अटक जाओ तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। डिसीजन एक दिन लेट लोगे तो चलेगा, लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो पैसे भी जाएंगे और 4 ईयर का आपका फ्यूचर भी यहाँ पे बिगड़ने के चांसेस है। हमारा नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप कभी भी हमारा कांटेक्ट करके कॉलेज के बारे में आप पूछ सकते हो, और हो सके तो सबसे पहले व्हाट्सअप ही करिए, व्हाट्सअप पे आपको आंसर मिल जाता है तो कॉल करने की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम हैंडल प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है, इंस्टेंट अपडेट के लिए आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, मिलते बाय, ठीक है।